उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले छात्रों के मन में असमंजस की स्थिति है काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि जिन लोगों को काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है और काफ़ी चैनल ऐसे हैं जो उनको भ्रमित कर रहे हैं कि ये दस्तावेज आप लोगों को लिए ज़रूरी है या ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ आपको वो दस्तावेज बताऊँगा जो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है और जो दस्तावेज आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या आवश्यकता है, क्या आपको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है और काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी शुरू होने वाली है। साथ ही साथ आंसर की को लेकर के जो आपके कमेंट्स है और काउंसलिंग के लिए जो है प्रमाण पत्र या कितने 200 प्लस अंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले चरण में ही काउंसलिंग के लिए तैयार रहें, तो जिन लोगों के इतनी उम्मीद है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो वो काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लें। यहाँ बात करते हैं आंसर की तो देखेगा आंसर की आमतौर पर जो आती है वो पहले आती है रिजल्ट से। तो जैसा कि यूनिवर्सिटी ने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट के लिए अनाउंस घोषित किया था कि 5 अगस्त को आपका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अभी जो है यहाँ की हाल फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि 5 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आमतौर पर जो काउंसलिंग होती है उसके लिए पहले आपकी आंसर की आती है, उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के साथ ही आपकी रैंक घोषित की जाती है, तब जाकर के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ पर यदि आंसर की बात की जाए तो आंसर की देखिएगा आपका 31 जुलाई तक आपका आ जाना चाहिए, यानी कि महीने के लास्ट तक आपका आंसर की आ जाना चाहिए, तभी आंसर की आएगी। उसके लिए 3 दिन कम से कम उसकी समीक्षा के लिए छात्रों को दिए जाते हैं, उसमें आंसर दिए जाते हैं, आंसर पर आपत्ति के लिए आपको टाइम दिया जाता है, तो कम से कम 72 घंटे का वो टाइम आप लोगों के लिए मिलता है। तो यहाँ यदि ये आपकी 31 तारीख तक आपकी आंसर की आती है तो आपको 3 तारीख तक ये मौका मिलेगा आपत्ति का, उसके बाद निस्तारण करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी की ओर से घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ अभी आंसर की के बारे में जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसमें कोई डेट या फिक्स डेट तो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन इतना कहा गया था कि आपकी जो आंसर की है वो इसी माह में आ जाएगी अर्थात जुलाई में आपकी आ जाएगी और रिजल्ट जो है सही समय पर आपका घोषित किया जाएगा। तो ये तो यूनिवर्सिटी को पता है कि उनकी तैयारी कितना है या उन्होंने जो है OMR चेक कर ली हैं या किस तरीके की प्रक्रियाएं वहाँ पर चल रही है, ये तो बाद में ही आपका जो है पता चलेगा। फिलहाल यूनिवर्सिटी है जो अपडेट है वो यही है कि इसी माह आपके आंसर की आने की संभावना है और रिजल्ट आपका तय समय पर घोषित किया जाएगा यूनिवर्सिटी के अनुसार, लेकिन हमें लगता है कि रिजल्ट आपका थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। बात की जाए आपको लिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 200 प्लस अंक जिन लोगों के हैं तो उनकी जो रैंक है वो अच्छी रैंक मानी जाएगी, और अच्छी रैंक का मतलब ये है कि आपको जो है कुछ चरण होंगे काउंसलिंग के जो चरण होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर फेस 1 के लिए आपको चुना जाएगा, तो फेस 1 में जो है यहाँ तक चुने जाते हैं स्टूडेंट्स, वो लगभग रैंक 1 से आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके जो है 1 लाख तक आपके जो है चुने जाते हैं, तो 1 से 1 लाख रैंक तक वाले स्टूडेंट्स जो हैं पहले चरण में लिए जाते हैं, जिनकी काउंसलिंग की जिन लोगों के मार्क्स जो हैं 200 से प्लस में हैं वो काउंसलिंग के लिए तैयार रहें, अपने दस्तावेज तैयार करा लें। अब आते हैं सीधे दस्तावेज की ओर, उसके बाद आपको काउंसलिंग का सही तरीका, चॉइस आपको कैसे बननी है, कितनी चॉइस कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो दस्तावेजों के बारे में जो ज़रूरी दस्तावेज हैं केवल वो ही आप लोग जो हैं यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद में जो आपके लिए दस्तावेज ज़रूरी नहीं है वो भी मैं लिख दूंगा, मतलब कि आप उसको लगा भी सकते हैं या नहीं है। तो ज़रूरी दस्तावेज जो है मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। तो इसमें क्या है कि 10th के आपके जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको चाहिए होंगे, 12th के आपके जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएट के आपको जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। अब जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट से फॉर्म भरा है, जिन लोगों ने PG के आधार पर फॉर्म भरा है, जिनके परसेंटेज के जो मार्क्स थे वो ग्रेजुएशन में कम थे
या किसी भी आधार पर जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट से फॉर्म भरा है तो पीजी के भी डॉक्यूमेंट्स अपने लगाएंगे। इसके अलावा भी आपके 3 दस्तावेज जरूरी हैं, जिसमें आपका जो है आधार कार्ड आपके लिए ज़रूरी है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और यदि आप जो है रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और यदि आपकी जो जातिगत आरक्षण चाहते हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, और ये केवल उनके लिए होता है जाति प्रमाण पत्र जिनको आरक्षण लेना है, एससी एसटी ओबीसी या इस तरीके से। और ईडब्ल्यूएस का लेना है तो आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। बाकी सामान्य कैंडिडेट्स को या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हो तो उनको ये डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है जाति वाला, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, निवास की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब बात आते हैं आय प्रमाण पत्र के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो झंझट है वो आय प्रमाण पत्र का है कि आय प्रमाण पत्र आपका जरूरी है या नहीं है। तो आय प्रमाण पत्र आपका देखिएगा यहाँ पर जो है जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है का मतलब ये है कि आपके पास आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो इससे आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स में नेसेसरी नहीं है कि आपके पास ये होना ही चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब काफ़ी कैंडिडेट्स कहेंगे क्या स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति आपकी नहीं आएगी यदि आपने ये लगाया या नहीं लगाया। तो छात्रवृत्ति के लिए मैं बता दूं आपको, जब छात्रवृत्ति का जो फॉर्म निकलेगा उसमें सभी के लिए समान योग्यता होगी, तब जा करके आप जो है आय प्रमाण पत्र लगाओगे। यदि आपने यहाँ भी नहीं लगाया है तो आपका जो है मान्य होगा। इस समय आय प्रमाण पत्र लगाने से कोई लाभ या कोई हानि नहीं है। आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो बनवाने का कोई झंझट इसका नहीं है, आराम से आप बनवा सकते हैं। एडमिशन के बाद छात्रवृत्ति के फॉर्म निकलेंगे और ये जो है नवंबर दिसंबर तक आपके भरे जाते हैं, तो आप जो है तब तक इसका लगा सकते हैं, अभी इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए देखिएगा रैंक कार्ड, यानी कि जिसमें आपका रिजल्ट और आपकी रैंक दी जाती है। दूसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए आपकी जो परीक्षा है उसका रोल नंबर भी इसी रैंक कार्ड पर लिखा होगा, और आपके पास सभी चीज़ें लिखी हुई होंगी। आपके पास पासपोर्ट साइज में फ़ोटो रहने चाहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग के बाद भी आपके जो है जब आप एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जाओगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये काउंसलिंग के लिए फिलहाल डॉक्यूमेंट्स थे। एडमिशन के लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इस तरीके के भी चाहिए होते हैं, या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तो वो मैं आपको किस प्रारूप में बनाना है कैसे बनाना है वो मैं आपको जो है उस टाइम बता दूंगा। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी शुरू होने दीजिए। काउंसलिंग कराने का जो सही तरीका है यानी काउंसलिंग में आपको जो है चॉइस कैसे भरनी है, तो देखिएगा काउंसलिंग में आपको सबसे पहले तो ये चॉइस कर लेना है, अपनी जो है लिस्ट देख लेनी है आपको कॉलेजों की, जो आप आसपास के जो कॉलेज हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स यही चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में ही हमारा एडमिशन हो जाए गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, तो अपने आसपास के कॉलेजों की लिस्ट जो भी आपके आसपास यूनिवर्सिटी पड़ती है उसकी लिस्ट आप जो है चेक करेंगे, उसी के आधार पर आप जो है कॉलेज की चॉइस करेंगे। अब आप ये कहोगे कि ये जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट है ये हमें कहाँ से प्राप्त होगी, तो यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है मैं आपको जो है आगे की वीडियो में भी दे दूंगा कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको नहीं भी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार अपने कॉलेज देख लोगे आप, तो वो कॉलेज आपको पता चल जाएगा। तो इस आधार पर आप जो है चॉइस कर सकते हैं। चॉइस के लिए कोई जो है लिमिट यहाँ पर नहीं है कि आप कितनी चॉइस करना चाहते हैं, तो अनलिमिटेड आप जो है चॉइस भर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से बातें क्लियर हुई होंगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।